एक इंसान को कैसे पता चले कि उसके लिए क्या अहम है। अच्छा बच्चा देखें ज़रा, सपोज गालें कि आपके इंग्लिश का आपका टेस्ट हुआ है और उसमें 2 नंबर कम आए हैं, तो उस पे अगर आपको परेशानी हो गई है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए अहम है। और आपने नमाज नहीं पढ़ी और परेशानी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि नमाज आपके लिए गैर अहम है। सामने किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, सामने किताबें पढ़ी हैं और आप उनको पढ़ नहीं रहे बल्कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और किताबें पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मोबाइल ज़्यादा अहम है, किताबें अहम नहीं है। तो हम कैसे जानते हैं कि एक इंसान के लिए क्या अहम है? उसके लिए आपने ये 3-4 चीज़ें सोचनी है बस। आप देखें कि आपको एक्साइटमेंट किस चीज़ से होती है। जिस चीज़ से आपको एक्साइटमेंट होती है, यानी जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो आपके लिए अहम होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हो सकता है एक बच्चा है, तो वो अच्छे या नए कपड़े पहने तो उसको एक्साइटमेंट हो, तो इसका मतलब है कि उसके लिए अहम उसके कपड़े हैं। एक बच्चा है, वो होमवर्क जब तक ना करे तब तक उसको एक्साइटमेंट नहीं होती, यानी होमवर्क करने पे एक्साइटमेंट होती है, इसका मतलब है कि उसने होमवर्क को अहमियत दी थी। जैसे ही होमवर्क उसने किया तो वो खुश हुआ, इसका मतलब है कि होमवर्क उसके लिए अहम है। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो चीज़ें आपके लिए अहम होती हैं। अब दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपका आपकी नमाज मिस हो गई है, आप नमाज का टाइम गुजर गया है, तो क्या आप परेशान हुए हैं? अगर परेशान हुए हैं तो इसका मतलब है नमाज अहम है। या फ़र्ज़ कर लें कि आप सुबह उठे हैं और स्कूल से लेट हो गया और आप परेशान हो गया, उफ अभी जाना था, मैंने ये पढ़ना था, अब मैं लेट हो गया हूँ, आप यानी परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर, तो इसका मतलब है कि स्कूल जाना अहम था। आपने सबक पढ़ना था, घर में मेहमान आ गए, आप सबक नहीं पढ़ सके और इस चीज़ पे आप परेशान हो गए कि मैंने सबक पढ़ना था और मैं तो सबक नहीं पढ़ सका, तो इसका मतलब है कि सबक अहम था। तो पहली चीज़ क्या देखें आप, कि वो चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो चीज़ आपके लिए अहम होती है, और वो चीज़ जो जिसके लिए आप परेशान होते हैं वो चीज़ भी आपके लिए अहम होती है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको गुस्सा आता है। जिन चीज़ों पे, जिन बातों पे आपको गुस्सा आता है वो भी आपके लिए अहम होती हैं। मसलन फ़र्ज़ गा लें, ये बैठे हैं सामने मेरे बैठे हैं और ये डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, तो अगर डिसिप्लिन तोड़ने पे मुझे गुस्सा आया, इसका मतलब डिसिप्लिन मेरे लिए अहम है। ठीक इसी तरह से फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सबक याद नहीं किया और मुझे सबक आपके याद ना करने पे गुस्सा आया, तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे लिए अहम है कि आप सबक याद करें, अब आपने सबक याद नहीं किया तो मुझे गुस्सा आया। तो इसी तरह जिन चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है, फ़र्ज़ कर ले आपने अम्मी को बोला है, अम्मी मुझे 100 रुपये चाहिए, अम्मी ने आपको 50 दे दिए हैं और आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब कि पैसा आपके लिए अहम है। ठीक इसलिए इसी तरह से फ़र्ज़ कर ले कि आपने कोई ड्रेस खरीदा है और इस ड्रेस का कलर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे और आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब क्या, ड्रेस का कलर अहम है। तो जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है, आप नाराज़ होते हैं, वो भी अहम होती है। अच्छा यहाँ तक आप एक बात समझ लें, ज़रूरी नहीं जो आपके लिए अहम है वो सही भी है, हो सकता है आप गलत चीज़ों को अहम बना बैठे हों। समझ आ रही है? अभी सिर्फ आपने ये देखना है आपके लिए अहम क्या है, बाद में आप खुद से सवाल कीजिएगा कि ये जो मेरे लिए अहम है क्या ये सही भी है या गलत है। चौथी चीज़ बेटा आपने वो देखनी है, यानी जो चौथी चीज़ आपने देखनी है वो ये कि किस चीज़ को लेके आप फिक्रमंद होते हैं। मसलन यहाँ से आप घर गए हैं तो घर जाते ही आपको पहले फिक्र है कि मैं अपना होमवर्क करूँ, तो इसका मतलब है होमवर्क अहम है, स्टडी अहम है। आपको फिक्र है कि मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, मैं अपना काम फिनिश करूँ, इसका मतलब है कि काम अहम है, यानी पढ़ना अहम है। लेकिन और फिक्र है ना आपको, आप घर गए हैं और घर जाते ही आप बिल्कुल होमवर्क की, किताब पढ़ने की, सबक याद करने की, व्हाट्सएप पे काम सेंड करने की टेंशन नहीं लेते, फिक्र नहीं करते, इसका मतलब है कि ये चीज़ें अहम नहीं हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि वो बातें या वो चीज़ें या वो इंसान जिनकी आप फिक्र करते हैं वो आपके लिए अहम होते हैं। तो मैंने 4 बातें बताई हैं,
कोई भी इंसान ये जानना चाहता है कि उसके लिए क्या अहम है, तो वो इन चार बातों को सोचे और जब ये सोच ले तो फिर देखे कि क्या ये जिस चीज़ को मैं अहम समझ बैठा हूँ ये अहम है भी या नहीं। बड़ा इंसान अहम और सही चीज़ें इनको इकट्ठा करता है, यानी वो सही चीज़ों को अहम बनाता है। अब देखे ना, एक इंसान है, फ़र्ज़ कर ले कि वो बच्चा जिसको खाने को अगर अच्छी चीज़ नहीं मिली, या खाने को अगर देखे ना, आपकी अम्मी हैं आपके लिए कपड़े लाए हैं तो, और कपड़े थोड़े से वैसे नहीं है जैसे आप चाहते थे, तो क्या हो गया है, कपड़े ही है ना, माँ का दिल ना तोड़ो, माँ है, एक तरफ माँ एक तरफ कपड़े हैं, तो आप कपड़ों को आगे रख के कि आपने मेरे कपड़े ऐसे नहीं लाए, आप मेरी फिक्र ही नहीं करते, आप हैं ही ऐसे, तो आप देखें कि किसको अहम कर रहे हैं। माँ अहम होनी चाहिए, कपड़े अहम होने चाहिए, माँ अहम होनी चाहिए ना। तो इस तरह से आपने देखना है कि जो आपके लिए अहम है क्या वो वाकई सही भी है या नहीं। इसलिए सही चीज़ों को अहमियत दिया करें, सही चीज़ को अहम समझें। बड़े इंसान की ये निशानी है, उसके लिए अहम सही भी होता है और उसके लिए सही ही अहम होता है। छोटे इंसान की क्या निशानी है, या गैर अहम जो गलत चीज़ें हैं और अहम हो जाती हैं वो क्या हैं? आपको अपने लिबास की बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाना कि मेरे कपड़े बहुत आला किस्म के होने चाहिए, आपको डिसेंट लगना चाहिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। फिर एक गलत चीज़ लेकिन जो अहम बन चुकी है हमारे लिए, वो ये है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमें देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरों को नज़र आऊँ और मुझे देखने लगें लोग और कहें वाह 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 ये कितने अच्छे हैं, ये कितने, मतलब लोगों की तारीफ़ की भूख, ये भी गलत चीज़ है, लेकिन वो भी ये चीज़ भी हमें अहम हो गई है। फिर एक चीज़ ये हमें अहम हो गई है जो गलत है, जो होनी नहीं चाहिए, वो ये है कि मेरे नंबर फुल हो, समझ आती है नहीं आती इससे कंसर्न नहीं है। हालांकि अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि नंबर भी फुल हो और समझ भी फुल हो, यानी नंबर होने चाहिए, फुल होने चाहिए, लेकिन समझ भी फुल होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो समझ के समझने की गर्ज से वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ समझना और नंबर पीछे कर देता है, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक, तो आपने देखना है अभी, बल्कि मैं आपसे सवाल करूँगा, खुद से अभी अपने जहन में झांक के देखें किस चीज़ पे ज़्यादा आप खुश होते हैं, सोचें किस चीज़ पे आप ज़्यादा खुश होते हैं, और फिर देखें कि क्या वो चीज़ सही भी है या गलत है, क्या उस चीज़ पे खुश होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई बता सकता है कि किसको जवाब आ गया, जहन में क्लियर हो गया कि सर मुझे पता चल गया मैं इस चीज़ पे खुश होता हूँ और वो सही है या गलत है? चीज़ ना बताएं बेशक, सिर्फ ये आपने बताना है कि आपको समझ आ गई है इस चीज़ की, आपको समझ आ गई है, और आपको समझ आ गई है कि आप किस चीज़ पे खुश होते हैं। अब आप खुद से सवाल करें कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। ठीक, अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, किस चीज़ को लेके आप परेशान हो जाते हैं, कौन सी चीज़ है कि जब हो तो आप परेशान हो जाते हैं, ऐसे शक्ल बना लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सोचें खुद से, सोचें वो कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, सोचें अच्छे से, सोचें सब, सोचें आंखें बंद करें कुछ सेकंड्स के लिए और सोचें वो कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करती है। क्या वो छोटा भाई है, क्या पैसे कम मिलना है, क्या कपड़े अच्छे ना होना है, और फिर ये देखें, सोच के साथ देखें कि क्या वाकई ये चीज़ परेशान होने के काबिल है भी या नहीं, कि ऐसा तो नहीं ये इतनी छोटी सी चीज़ है और मैं इस पे परेशान हो जाता हूँ, मुझे तो इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। आपको समझ आ रही है, किस किस को समझ आ रही है? ठीक, तीसरी चीज़, अब फिर आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए सोचें किस चीज़ पे आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। सोचें सोचें सोचें, जिनको क्लियर हो गया हाथ ऊपर करें। ठीक है, अब खुद से सवाल करें कि जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है क्या वो सही है, खुद से पूछें।
अगर सही नहीं है तो उसको बदले, उस पर आइंदा गुस्सा नहीं करना। ओके, अब वो कौन सी चीज़ है, या वो कौन सा इंसान है, या वो कौन सी बात है जिसकी आपको फिक्र रहती है, जिसको लेके आप फिक्रमंद रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये होना चाहिए। सोचें, वो कौन सी चीज़ है जिसकी फिक्र आपको सताती है कि ये हो, ये हो, ये हो। सोचें, सोचें। ओके, आप खुद से सवाल करें, जिस चीज़ को लेके आप फिक्रमंद होते हैं, क्या वाकई बड़ी चीज़ है, क्या वो वाकई बड़ी बात है, उससे सवाल करें। कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आपके लिए अहम क्या है। तो आपने यही चीज़ घर में जाके करनी है, और आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अहम है, और फिर आपने देखना है कि ये सही भी है या नहीं, और अगर वो सही नहीं है तो उसको बदलें, और जो सही चीज़ है उसको अहम।